नमस्कार, आपका नेशनल एम्प्लॉय न्यूज चैनल के लेटेस्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की ये वीडियो में एक विशेष खबर सामने आई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। काफ़ी दिन पहले डीए की बात हो रही थी कि अगले महीने फरवरी या मार्च महीने में आपको डीए मिल सकता है, लेकिन उसी के विपरीत एक और खबर आई, उसी के अल्टरनेट एक खबर और आई कि आपका डीए फ्रीज आगे भी बढ़ सकता है। जो पहले जुलाई 2021 तक फ्रीज करने का जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया था, वो फैसला अब गवर्नमेंट आगे भी ले सकती है। इसी के बीच एक नई खबर आई है जो दोस्तों जुलाई से बड़े महंगाई भत्ते का लाभ मिलने का इंतज़ार कर रहे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को झटका लग सकता है। डीए फ्रीज करने का फैसला आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी से कर्मचारी नेताओं की वार्ता की है, इसकी विरोध भी शुरू हो गया है, अभी इसका विरोध चल रहा है। कोविड-19 संक्रमण के बीच आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है, इसकी वजह से सरकार ने जनवरी 2020 से डीए फ्रीज कर दिया था। हालांकि यह भी कहा गया था कि जुलाई 2021 से कुल बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनरों को दे दिया जाएगा, लेकिन जनवरी 2020 में 17% डीए था जो जनवरी 2021 में बढ़कर 28% हो गया। जुलाई में भी डीए की 3 या 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि जुलाई के वेतन से 31 या 32% के डीए मिलने लगेगा। इसके विपरीत अब आगे भी डीए फ्रीज करने की बात हो रही है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट एसोसिएशन के विशेष आमंत्रित सदस्य केएल गौतम और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष पांडे ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी ने आगे भी डीए फ्रीज करने की बात कही है। इससे कर्मचारियों में रोष है। दोनों नेताओं का कहना है कि दिसंबर में सरकार को रिकॉर्ड जीएसटी प्राप्त हुई है, इससे पता चलता है कि आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। उनका कहना है कि इसके आधार पर डीए के एरियर की मांग की जा रही है। इसके विपरीत डीए का एरियर देना तो दूर, डीए फ्रीज किए जाने की अवधि बढ़ाने की बात हो रही है। कर्मचारी नेताओं ने नाराजगी जताने के साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर संशय बना हुआ है कि क्या आपको डीए का एरियर मिलेगा या फिर डीए आगे भी डीए की ये अवधि फ्रीज करने की अवधि बढ़ाने की बातें चल रही हैं, तो इसकी अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है जिससे आपको बताया जा सके कि हाँ अगर आपका डीए आगे भी बढ़ सकता है या फिर नहीं बढ़ सकता। अभी तक ये लेटर आया कि आगे अभी तक कोई सरकार की अभी तक ये उम्मीद नहीं है कि आपका डीए आगे फ्रीज किया जाएगा। ये उम्मीद जताई जा रही कि आपको जुलाई 2021 से आपका जो बढ़ा हुआ डी है वो मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस खबर को शेयर कीजिएगा।